लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। अब सपोज आपके सामने एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका वैल्यू हमने बोला रेस कार, ठीक है। अब ये रेस कार को आप लेफ्ट साइड से रीड करो या राइट साइड से रीड करो, वो सेम ही आएगा, ठीक है। इन्हीं टाइप की स्ट्रिंग्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। अब आपको इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन आया कि सपोज आपके सामने एक स्ट्रिंग है बनाना, ठीक है, इस बनाना में कितनी सब स्ट्रिंग्स है जो पैलिंड्रोम है, तो आप बोलेंगे ए एन ए और ए एन ए एन ए, ठीक है। ये दो सब स्ट्रिंग्स है जो पैलिंड्रोम है, यानी इनको लेफ्ट से भी रीड करेंगे तो सेम ही आएगी और राइट से भी करेंगे तो सेम ही आएगी, तो इन्हीं सब स्ट्रिंग्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो अब आपको पहले तो ये फाइंड करना है कि इस बनाना स्ट्रिंग में कौन सी सब स्ट्रिंग्स है जो पैलिंड्रोम है, और उन दोनों को कंपेयर करके जो बड़ी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है उसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये कोडिंग चैलेंज आपके सामने आता है और इसको आपको सॉल्व करना होता है। तो यही क्वेश्चन को किस तरीके से पाइथन में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोड कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बहुत ही इजी वे से मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप इसका कोड बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोज़ आपको कोडजीफाई यूट्यूब चैनल पर मिल जाते हैं। और मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके यहाँ पे दिखाऊं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आप तक पहुँचा सकूँ, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग को सॉल्व किया जाता है पाइथन की मदद से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है रेस कार। इसमें अगर मैं बोलूँ कि ये पैलिंड्रोम है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि यहाँ से भी अगर मैं इसको रीड करूँ, लेफ्ट साइड से भी अगर मैं इसको रीड करूं तो सेम कैरेक्टर्स आते हैं, आर ए सी ई सी ए आर रेस कार, और अगर यहाँ से भी रीड करूं तो भी सेम आता है। तो हम बोलेंगे सबसे बड़ी जो स्ट्रिंग है जिसको हम बोलेंगे कि ये पैलिंड्रोम है, वो रेस कार खुद है, जो ये गिवन स्ट्रिंग है ये खुद एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ बनानास एक स्ट्रिंग है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बी से अगर मैं रीड करूँगा तो अलग आ रहा है, और लास्ट से रीड करेंगे तो अलग वर्ड आता है। तो उस केस में हम चेक करेंगे कि ये वाली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है क्या, तो हम बोलेंगे ए एन ए एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे हम इसको, सब स्ट्रिंग बोलेंगे। तो ए एन ए एक सब स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी सब स्ट्रिंग कौन सी बन रही है, ए एन ए एन ए, ठीक है, ए एन ए एन ए। अगर मैं ये वाली सब स्ट्रिंग लेता हूँ ए एन ए एन ए, अब आपको क्या है कंपेयर करना है, ये वाली सबस्ट्रिंग बड़ी है कि ये वाली सबस्ट्रिंग बड़ी है, तो आप बोलेंगे ये वाली सबस्ट्रिंग बड़ी है, तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हमारी कौन सी हुई, ये वाली। इस तरीके से आपको फाइंड करना है पूरे जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उसमें से एक एक कैरेक्टर को हम ब्रूट फोर्स टेक्निक से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका कोड देखते हैं किस तरीके से होगा। मैं ये कोड पाइथन में लिख रहा हूँ, तो एक एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलेंगे, जिसमें हम एक इनपुट पास करेंगे, ठीक है। ये इनपुट हम यहाँ पे ले लेते हैं, वर्ड इज इक्वल्स टू रेस कार, ठीक है। और इसको हम एक रिजल्ट वेरिएबल में ले लेंगे और एक फंक्शन कॉल करेंगे कि इस वाले स्ट्रिंग में से जो रेस कार है इसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बिगेस्ट सब स्ट्रिंग है इसमें से, ठीक है। तो हम ये वाला वर्ड इसको पास कर देंगे, वो यहाँ पे इनपुट ले लेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे प्रिंट द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग इस, और हम रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। कैसे हम फाइंड करेंगे कि बिगेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सी है, तो हम क्या करेंगे एक लॉन्गेस्ट वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम एम्प्टी कर देंगे। जब भी हमें बड़ी स्ट्रिंग मिलेगी, जैसे बनाना में ए एन ए था और ए एन ए एन ए, ठीक है, मैं ये वाली स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ बी ए एन ए एन ए एस, ठीक है। इसमें जैसे हमारे पास ये ए एन ए भी था और ए एन ए भी था, जो भी बड़ी सब स्ट्रिंग होगी हम इसके अंदर उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे लूप। कितने बार हमें चेक करना है, सबसे पहले कितने कैरेक्टर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 टाइम्स ये वाला फर्स्ट लूप चलेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे
आई इन रेंज, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग किसमें है, एस के अंदर, ठीक है। तो हम उसकी स्ट्रिंग ले लेंगे और हम यहाँ पे लगाएंगे लूप। अब ये जो लूप है ये सिक्स, ये सेवन टाइम्स चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी कैरेक्टर्स है। अब हर लूप के अंदर हम एक नेस्टेड लूप लेंगे जिसको मैं बोलूँगा जे, और उसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ है उसकी सब स्ट्रिंग्स हम फाइंड करेंगे और उसमें से पैलिंड्रोम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब पहली बार हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, देखिए, अब पहली बार आई की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, ठीक है। ये आई मैं बोल देता हूँ और यहाँ पे मैं जे ले लेता हूँ। अब आई जब ज़ीरो है तो जे क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो जे प्लस वन, मतलब जे की भी वैल्यू ज़ीरो ही है, राइट। तो जे की वैल्यू भी हम ज़ीरो लिख लेंगे और सबस्ट्रिंग क्या आ रही है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सबस्ट्रिंग प्रिंट कर देता हूँ कि जब आई की वैल्यू ज़ीरो है तो जे कितने बार चलेगा। अब तो जे चलेगा जितनी लेंथ ऑफ एस है। अब चेक करेंगे, ज़ीरो और ज़ीरो प्लस वन, ठीक है। तो ये वन हो गया, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा हमारा, पी। तो पहली बार हमारी सबस्ट्रिंग हो गई बी, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू तो ज़ीरो ही रहेगी, राइट। जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी, ये ज़ीरो ही रहेगी, जे की वैल्यू हो जाएगी वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू। तो अब हम दो कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं, वो हो गया बी ए, सब स्ट्रिंग निकली हमारी बी ए, ठीक है। वैसे ही हम आई की वैल्यू ज़ीरो ले लेंगे, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, टू प्लस वन थ्री। तो थ्री कैरेक्टर्स हम प्रिंट कर सकते हैं ज़ीरो से लेके बी ए एन, राइट। जब तक अब ये स्ट्रिंग की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक ये एस तक पूरे कैरेक्टर्स प्रिंट नहीं कर देता, वो तब तक वो लूप चलता रहेगा, राइट। थ्री, तो थ्री प्लस वन फोर, फोर कैरेक्टर्स हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, बी ए एन ए, बी ए एन ए, ठीक है। अब उसके बाद हो जाएगा ज़ीरो फोर, तो अब ये बी ए एन ए एन, अब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, बी ए एन ए एन, ठीक है। वैसे ही अब फाइव, फाइव में क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो ही, इसके आगे एक और कैरेक्टर लग जाएगा, बी ए एन ए, एन, और यहाँ पे एक और ए आ जाएगा, ठीक है। सिक्स, तो पूरा एस तक आएगा। अब हमारा क्या हो गया प्रिंट, बी ए एन ए एन ए एस, बनानास, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा लूप चलेगा। फिर इसके अंदर अब हमको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है, जैसे जैसे बी प्रिंट हुआ, तो अब हमको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। और ये वाला फिर चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये पैलिंड्रोम है क्या नहीं है, ये पैलिंड्रोम है क्या नहीं है, ये पैलिंड्रोम है क्या नहीं है, ये पैलिंड्रोम है क्या नहीं है। तो हमें ये पैलिंड्रोम इसमें से आइडेंटिफाई नहीं हुआ फर्स्ट इंडेक्स जब आई की वैल्यू ज़ीरो थी। अब हम चेक करेंगे आई और जे की वैल्यू, अब आई की वैल्यू क्या हो गई वन और जे की वैल्यू क्या हो गई ज़ीरो। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है वन और जे की वैल्यू हो गई ज़ीरो प्लस वन वन। तो फर्स्ट से लेके फर्स्ट कैरेक्टर तो हम बोलेंगे ए, ठीक है। सबस्ट्रिंग क्या प्रिंट होगी यहाँ पे, सबस्ट्रिंग प्रिंट होगी ए। फिर हम चेक करेंगे आई की वैल्यू तो वन ही रहेगी और जे की वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम वन से लेके फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं ये वाला, ठीक है, ए एन। अब साथ ही साथ हम चेक करते जाएंगे, वो मैंने कोड यहाँ पे नहीं लिखा है, वो अब हम लिखने वाले हैं। जैसे ही ए प्रिंट होगा हम चेक करेंगे इसको, वैसे ही ए एन क्या ये पैलिंड्रोम है, तो हम इसको साथों साथ चेक करते जाएंगे। अब जैसे i की वैल्यू 1 हो गई, j की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, अब क्या प्रिंट होगा, ए एन ए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि ए एन ए पैलिंड्रोम है क्या, यस दिस इज़ पैलिंड्रोम। वो चेक कैसे करेंगे वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। ए एन ए पैलिंड्रोम है ये हमें आइडेंटिफाई कर लिया। अब वैसे ही ये लूप रन होते रहेगा, ठीक है, जैसे
यहाँ पे थ्री है तो ए एन ए एन, ठीक है, इसके आगे एक और एन लग जाएगा, ए एन ए एन। इसको हम स्टोर कर देंगे एक लॉन्गेस्ट वेरिएबल में कि अभी तक हमारे पास एक सबस्ट्रिंग फाइंड हुई है जो पैलिंड्रोम है, तो उसको हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि और सबस्ट्रिंग बन रही है क्या, जैसे यहाँ पे फोर है, ठीक है, वन से लेके फोर, तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा, ए एन ए एन ए। तो अब यहाँ पे एक और सबस्ट्रिंग मिल गई जो पैलिंड्रोम है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे कि लॉन्गेस्ट वाली सबस्ट्रिंग जो पैलिंड्रोम है वो ये वाली है, तो हम लॉन्गेस्ट में इसको अपडेट कर देंगे, उसके अंदर ये डाल देंगे, ठीक है, ये वाली सबस्ट्रिंग। तो अब इसके आगे हो जाएगा फाइव, ठीक है, फिर यहाँ पे ए एन ए एन ए एस, तो यहाँ पे अब ये सबस्ट्रिंग नहीं है। तो इस वाले केस में हमने आइडेंटिफाई किया कि एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है जो है ए एन ए एन ए, ठीक है। अब सिमिलरली आई की वैल्यू फिर से टू होगी, फिर जे की वैल्यू ज़ीरो से, फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला स्ट्रिंग क्या होगा एन, फिर एन ए, फिर एन ए एन, फिर एन ए एन ए। तो इसको आप ब्रूट फोर्स करके पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जब हम इसको सबस्ट्रिंग निकाल रहे हैं ना, तब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। जैसे अब ये वाला एग्जांपल है, अब ये कब तक चलेगा, जब तक ये सारे कैरेक्टर्स को सात बार नहीं कर लेता, ठीक है, तो वहाँ से हमको एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग मिल जाएगी। अब बात आती है कि जब हम ये सबस्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसे हम चेक करें कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग हमें मिली, ये तो हमें सबस्ट्रिंग में मिल गई, राइट। अब इसको इसका रिवर्स हम करके देखेंगे, तो रिवर्स आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम चेक करेंगे सबस्ट्रिंग आप रिवर्स, अगर आपको चेक करना है तो आप माइनस वन करके आप इसको रिवर्स चेक कर सकते हैं। और आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग जो यहाँ पे फाइंड थी, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग इज़ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, मतलब अगर इन दोनों में से हमको चेक करना है कि कौन सी बड़ी स्ट्रिंग है, तो उस केस में आपको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा जिसमें हम चेक करेंगे कि जो भी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है तो उसको अपडेट कर दो, अपडेट कर देगा लॉन्गेस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी आ जाएगी सबस्ट्रिंग, यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे कि चेकिंग सबस्ट्रिंग, जो भी सबस्ट्रिंग होगी हम एक एक पूरे लूप को एक एक स्टेप रन करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन सी सबस्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, ठीक है, और इसमें से जो भी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग रहेगी उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, करंट लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, उसको हम पैलिंड्रोम बोल देंगे लॉन्गेस्ट, और इसी को ही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चेक करते हैं, अभी पहली बार जब लूप चला तो हमें ये पता है कि सेवन टाइम्स ये चलेगा, ठीक है, तो पहली बार आई की वैल्यू जैसे हमने आइडेंटिफाई की ज़ीरो, तो वहाँ से उसने क्या किया, पहले बी निकाला, यहाँ पे ये सबस्ट्रिंग प्रिंट हुई और करंट लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग में उसको स्टोर कर दिया उसने बी, ठीक है। फिर सेकेंड उसने चेक किया बी ए, ठीक है, सबस्ट्रिंग मिली उसको बी ए, और अभी तक हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है जो हमने लॉन्गेस्ट में फ़िलहाल स्टोर करके रखी है बी, ठीक है, वैसे ही बी ए एन थर्ड स्ट्रिंग, फिर हमारे पास लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग अभी तक बीच है, ठीक है, वैसे ही बी ए एन ए लॉन्गेस्ट यही है। फिर फर्स्ट जब तक ये लूप चल रहा है, इंडेक्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो जब तक है, तब तक ये पूरा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड कि इसमें हमको एक भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं मिली। अब सेकेंड टाइम जब आई की वैल्यू वन हुई, ठीक है, जब आई की वैल्यू ज़ीरो हुई तो एक भी स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग नहीं मिली हमें जो पैलिंड्रोम है। अब आई की वैल्यू जब वन हुई तो यहाँ से अब वो शुरू करेगा, ठीक है, ए से। तो पहली उसने सबस्ट्रिंग लिया ए, और हमारे पास अभी करंट जो पैलिंड्रोम है वो हमने बी स्टोर किया हुआ है पहले से, ठीक है। फिर यहाँ पे ए एन चेक हुआ, क्या ये पैलिंड्रोम है, नहीं है, ठीक है, तो अपडेट नहीं हुआ। फिर ए एन ए मिला हमें यहाँ से, ए एन ए, फिर यहाँ पे ए एन ए अगर हमारा पैलिंड्रोम है तो ये पैलिंड्रोम मिल गया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए एन ए मिला, ये वाली जो सबस्ट्रिंग है इससे ग्रेटर है, ठीक है, ये कंडीशन हमने यहाँ लगाई है, जो सबस्ट्रिंग है हमारी ए एन ए, ये प्रीवियस लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट से हमारी बड़ी है, इसीलिए हम बोलेंगे कि लॉन्गेस्ट अब हमारी हो गई ए एन ए। ठीक है, फिर से हम नेक्स्ट चेक करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से चेक करेंगे ए एन एन। ठीक है, ये वाला फिर ये सबस्ट्रिंग नहीं है, तो हमारा अभी तक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम ए एन ए ही है। ठीक है, फिर ए एन ए, फिर ये अपडेट हो गया कि ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है, क्योंकि ये वाली जो सबस्ट्रिंग है इस पिछले वाली सबस्ट्रिंग जो हमने लॉन्गेस्ट में स्टोर की उससे बड़ी है। तो हमारा अपडेट हो गया लॉन्गेस्ट की ये वाली सबसे सबस्ट्रिंग बड़ी अभी तक हमें मिली है जो पैलिंड्रोम है। फिर नेक्स्ट सबस्ट्रिंग हमें मिली ये वाली, ये अभी तक पैलिंड्रोम नहीं बनी है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो अभी तक हमारे पास ये वाली लॉन्गेस्ट स्टोर है। फिर वो शुरू होगा एन से, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ज़ीरो में हमें नहीं मिला, 1 में हमें एक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम मिला, 2 में अब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एन से शुरू होगा, फिर एन शुरू हुआ। ठीक है, फिर एन ए, फिर एन ए एन, पहले एन फिर एन ए, फिर एन ए एन, फिर एन ए एन ए, फिर उसमें चेक करते जाएगा वो। ठीक है, तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोग्राम को रन करके अब आप खुद से ही समझ सकते हैं कि एंड में आपको जो पहली सबस्ट्रिंग हमने वन इंडेक्स में फाइंड किया ना, वही सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग इसमें से निकलती है जो पैलिंड्रोम है। तो इस तरीके से आप पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कैसे कंपेयर करते हैं और क्या हमें करना है, तो आपको इजीली ये प्रोग्राम समझ जाएगा। इस प्रोग्राम को आपको रन करना है तो कोडजीफाई के आईडीई पे आप आ सकते हैं। ठीक है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। रजिस्टर करके आप इसमें से सारे कोड्स को लिख सकते हैं और अपने जो भी टास्क रहते हैं आपको यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड पे स्टोर हो जाता है, तो आपका जो भी वर्क रहेगा वो सेव भी होते जाते हैं। ठीक है, उसके लिए डैशबोर्ड है, बहुत ईजिली आप चीज़ों को यहाँ पर कम्प्लीट मार्क एस कम्प्लीट एडिट भी कर सकते हैं, बहुत ईजिली वो हो जाता है। ठीक है, तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देता हूँ आईडी की, आप यहाँ पे ये प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और इसमें एक और फीचर है कि रियल टाइम कोलैबोरेट है, अगर आपको यही कोड किसी और फ्रेंड के साथ में कनेक्ट करके साथ में सॉल्व करना है तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके ये लिंक कॉपी हो जाएगी। ये लिंक आप अपने फ्रेंड को दे देंगे और वो अपने लैपटॉप या कहीं पर ओपन करेगा फ़ोन में, तो उसको ये पूरा कोड दिख जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये आपका फ्रेंड अगर यहाँ पर कुछ लिखता है टाइप करके, जैसे मैं बनानास की जगह यहाँ पे रेस कार कर देता हूँ, तो ये आपके कोड में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप इसको रन करके चेक कर सकते हैं कि इसमें से लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कौन सी है। ये लिंक आपको अपने फ्रेंड को देनी होती है, वो ऑटोमेटिक फिर दोनों कनेक्ट होकर आप एक ही कोड पे काम कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल है, आप इस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके ये एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा, किस तरीके से हम सबस्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करके उसको कंपेयर करते हैं कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, फिर उसको हम प्रिंट करते हैं। इसी तरीके के कोडिंग चैलेंजेस हम इस सीरीज में अपलोड करेंगे, जिसका नेम मैंने दिया है 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। सारे चैलेंजेस हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज को आप जरूर फॉलो करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें और अपलोड कर पाऊँ। ओके गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।